अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी भी जायज़ सिम से पैसे कट जाते हैं और आपको पता नहीं है कि आपके किस चीज़ के पैसे कट रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर मुकम्मल तरीक़ाकार गाइड करूंगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे क्यों कट रहे हैं, कौन सी आप पे किस सिम पे सर्विस एक्टिवेट हो चुकी है और आप उस सर्विस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे अपना बैलेंस सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं तरीक़ाकार की तरफ। सबसे पहले आपने डायल पैड को ओपन कर लेना है। जैसा कि कॉल डायल पैड मैंने ओपन कर लिया, ये छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है। तो आपने जहाँ पे टाइप करना है, डायल करना है *666##, और इसको आपने जायज़ की सिम से डायल करना है। आप जैसे इसको जायज़ की सिम से डायल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले नंबर पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड VAS। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आपने एक जो है वो एंटर करना है, टाइप करना है, और दोबारा आपने यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन है इसके ऊपर करना है। ओके ओके करेंगे तो दो आपके सामने जो है वो आ गए हैं, एक डेली रंग जिसका ₹5.98 आपसे चार्ज किया जा रहा है, और दूसरा है बजाओ डेली प्रीपेड ₹15 आपसे ये चार्ज कर रहे हैं। अब दो सर्विस लगी हुई हैं, आपने इनको ख़त्म कैसे करना है। ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर दोबारा बैक में जाना है, यानी कि आपने यहाँ पे ज़ीरो आपने इंटर करना है, और ज़ीरो जैसे आप इंटर करेंगे तो उसके बाद दोबारा आपने सेंड के ऊपर ओके करना है। सेंड के ऊपर हम ओके कर देते हैं। सेंड के ऊपर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने दोबारा ये वाला मेन्यू आ जाएगा, शुरू वाला। अब आपने यहाँ पे जो है नीचे नंबर पे लिखा हुआ है कि VAS अनसब्सक्रिप्शन, यानी कि ख़त्म करना, तो आपने यहाँ पे तीन इंटर करना है कि हम ख़त्म करने वाले मेन्यू में जा रहे हैं। तीन इंटर किया, दोबारा सेंड पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि किसको आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, डेली रंग को करना चाहते हैं या बजाओ डेली को। तो हम पहले वाला जो है वो डेली रंग कर देते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक पे क्लिक किया, दोबारा सेंड के ऊपर हमने ओके कर दिया। ओके जैसे किया तो अब हमारे सामने मैसेज शो हुआ है कि आपकी सर्विस ख़त्म करने की दरख्वास्त जो है वसूल हो चुकी है, एक घंटे में आपकी सर्विस डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, यानी कि एक घंटे बाद, एक घंटे के अंदर अंदर आपकी ये सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक घंटा इंतज़ार करना है, एक घंटे के बाद आपने दोबारा यही वाला कोड मिलाना है, और उसके बाद जो दूसरी सर्विस है आपकी लगी हुई वो आपने ख़त्म करनी। इस तरह अगर आपके साथ आपके सिम पे तीन या चार या ज़्यादा सर्विसेज लगी हुई हैं तो एक एक करके आपने एक एक घंटे के वक्फे से सारी सर्विसेज जो है वो ख़त्म कर देनी है। ये सर्विसेज आप जो लगी हुई हैं इनको ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आपका जो बैलेंस है, आपका जो मोबाइल अकाउंट बैलेंस है वो ख़त्म होना बंद हो